Day 2 of 75 day challenge. And आज सुबह मैं कोशिश करके जल्दी उठ गया था, बट देर वॉज सो मच वर्क जिसकी वजह से सुबह पहले मुझे एडिट पे बैठना पड़ा एंड एडिट पे टाइम लग गया. उसके बाद आई डिडंट गेट टाइम टू रीड एज वेल. और ये सब कुछ जो है ना चैलेंजेस एकदम से डे टू में जो है ना आ गए. डे वन तो बड़ा इजी लग रहा था, बट डे टू पे आई फॉरगॉट कि एक जिंदगी भी है मेरी जिसमें मैंने काम करने होते हैं, रोजी रोटी कमानी होती है. एनीवे, सो ये प्रॉब्ली वही चैलेंजेस हैं जो नॉर्मली हर इंसान को भी फेस होंगे इस चैलेंज में या हो रहे होंगे. एनीवे, सो बस नाश्ता किए बगैर, नाश्ता मैंने रख लिया साथ, बट पहले वर्कआउट करेंगे क्योंकि वर्कआउट का टाइम निकलता जा रहा है. सो जस्ट रशिंग टूवर्ड्स द जिम और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, फिर अपना खाना पीना शुरू करते हैं और फिर बाकी दिन की रूटीन देखते हैं और देखते हैं कि आज वर्कआउट में कितना टाइम मैनेज हो सकता है. पूरी कोशिश है कि पूरा टाइम निकालें वर्कआउट के लिए और पूरी कोशिश है कि रीडिंग के लिए भी टाइम निकालें. सो आज का वर्कआउट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला वर्कआउट है बेंच वर्क, जिसके अंदर हम चेस्ट की एक्सरसाइजेज और ये सारा बेंच वर्क करेंगे. एंड जो सेकंड वर्कआउट है आज का, दैट इज़ कार्डियो एंड एब्स. कार्डियो आज ट्रेडमिल पे करेंगे एंड दिस इज़ द एब सर्किट जो हम करेंगे. सो भाई जान, डे टू डन विद वर्कआउट. और आज जो मेरा नाश्ता है, जो कल मेरा नाश्ता था, आज उसको मैं पोस्ट वर्कआउट ले रहा हूँ. जो प्रोटीन है वो घंटे डेढ़ घंटे बाद लूँगा, क्योंकि आज सुबह उठते ही जो चीज़ मैंने प्लान की थी वो नहीं हो सकी. एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के साथ ये होगा, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि आपने अदर दैन दीज चैलेंजेस, ये जो फिटनेस है आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ भी है. वो प्रैक्टिकल लाइफ की रियलिटी जब आपको हिट करती है तो सारी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, बट स्टिल ट्राइंग टू मैनेज दिस, कोशिश कर रहे हैं. मिड डे अपडेट डन विद द वर्कआउट. नाश्ता हो चुका है एंड आज पोस्ट वर्कआउट जो है उसमें नाश्ता ही खाया था. अंडे प्रोटीन शेक उसके एक घंटे बाद मैंने पिया है एंड देन मज़ीद घंटे बाद जो है वो मैं अपना ग्रिल्ड चिकन रैप खाऊंगा. फिर से आज सेम लंच होगा और थोड़ा सा लेट होगा लंच, बट ऑलरेडी आई डोंट फील हंग्री एट ऑल, बट आई नो आई हैव टू ईट इट. सो आज काम के साथ साथ लंच और काम साथ साथ होंगे. भाई ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है, ऐसे ही होता है. यूपीले लोग जो हैं वो इजीली 75 डेज जो है वो कर लेंगे. काम के साथ करना है तो ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, कर रहे हैं. सो यही मकसद है इसको करने का भी, ताकि आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली शेयर कर सकूं क्या आसान है और क्या मुश्किल है. सो ऑलमोस्ट डन विद डे टू, डन विद वर्क, फाइनली बैक होम. एंड अभी तक की अपडेट ये है कि आई हैव हैड माई ब्रेकफस्ट, आई हैव डन माई वर्कआउट, आई हैव टेकन माई प्रोटीन सप्लीमेंट एंड लंच भी हो चुका है. सो डिनर इज़ येट टू गो. स्नैक अभी तक मैंने नहीं लिया आज का कोई. एंड मेरा रात का प्रोटीन सप्लीमेंट रहता है. आई स्टिल हैव टू रीड समथिंग एंड देन आई हैव टू गो टू बेड अर्ली. एंड इट्स ऑलरेडी 9 PM. So I'm short on time and there's a lot of stuff to do and eat. खाने के साथ फिर से पेश करते हैं थोड़ा सा भाषण. कल मैं सोच रहा हूँ कि चैलेंज तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने ये चेक नहीं किया कि चैलेंज के स्टार्ट में
मेरा वेट कितना है, वैसे वेट मैटर नहीं करता बट स्टिल मुझे पता है लोगों ने एंड में यही पूछना है भाई वजन कितना कम हुआ है। पर आपको उसका जवाब देने के लिए कल वजन चेक करेंगे और आने वाले दिनों में आई हैव टू शेयर विद यू गाइस कि मैं टोटल कैलोरीज कितनी खा रहा हूँ और प्रोटीन कितनी खा रहा हूँ। फिलहाल खाने पे फोकस करते हैं। डन विद द डिनर, प्रोटीन शेक टू गो। एक बहुत तंग सी विंडो है, ऑलरेडी 11 बज चुके हैं एंड आई हैव टू स्लीप अर्ली ताकि 8 घंटे मिनिमम नींद पूरी हो और मैं सुबह उठ सकूं। बट अगेन दीज आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ। आई हैड वर्क, आई गॉट स्टक विद वर्क, सब चीज़ें डिले हो गई। आई स्टिल मैनेज टू ईट एवरीथिंग बट बिल्कुल बाय द रूल बुक जो चीज़ें करनी हैं वो करने में बहुत मुश्किल हो रही है। प्रोटीन पूरी करनी है, कैलोरीज पूरी करनी है दिन की, राइट, बुक भी पढ़नी है एंड इट्स ऑलरेडी डे टू एंड पार्ट ऑफ मी इज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द चैलेंज। ठीक है, मे बी दैट्स द रीजन व्हाई यू टेक अप द चैलेंज बट व्हाट हैपेंस आफ्टर 75 डेज। सो दैट्स द होल क्वेश्चन, दैट्स द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट ऑलरेडी फॉर समवन लाइक मी जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कर रहा था फॉर द पास्ट 10 ईयर्स हु इज़ इनटू फिटनेस, उसके लिए अगर ये चीज़ चैलेंजिंग है तो एक नॉर्मल इंसान के लिए कैसी होगी। दिस इज़ वाई चैलेंजेस आर नॉट कांट बी अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। इट्स अ फैड, इट विल कम एंड गो बट यू नीड टू मेक हैबिट्स जो आगे लॉन्ग रन के लिए रहें। Apparently 75 days complete करने के बाद आपकी habits बन जाएंगी जो कि long term चलेंगी। We are yet to figure that out, to find that out. Anyway, back to work. I'm gonna have some protein and then going to bed.